भैया ये बताइए कि हर जगह मौसम एक जैसा क्यों नहीं होता है? कहीं बहुत गर्मी होती है तो कहीं सर्दी होती है। देखो, ये चीज सूरज की किरणों पे निर्भर करता है। जो जगह सूरज की किरणों के पास होती है वो गर्म होती है, और जो दूर होती है वो ठंडी होती है। चलो आज दीदी से यही चीज पूछते हैं। दीदी ये बताइए कि हर जगह मौसम एक जैसा क्यों नहीं होता है? ये पता है, देखो मौसम जो है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी भूमि है, जो भूमि का भाग है, वो केवल सूर्य की किरणों पर निर्भर करता है, और उसके आधार पर हम लोगों ने पूरे पृथ्वी के ग्लोब को पढ़ाई के लिए अलग अलग तीन भागों में बांट दिया है। तुम लोग जानते हो, देखो हम तुमको ग्लोब दिखाएं, तुमने देखा है ये ग्लोब? ग्लोब में एक रेखा होती है जो बिल्कुल बीचों बीच जाती है, तुमको पता है इसको क्या कहते हैं? बताओ। हाँ, भूमध्य रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। मतलब जो पृथ्वी को दो भागों में बिल्कुल बराबर से बांटे, और इस रेखा से लेकर ऊपर की तरफ एक भाग बनता है आधा गोला, गोलार्ध जिसे बोलते हैं। तो ऊपर के गोलार्ध को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। हाँ, और नीचे के गोलार्ध को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्धों में भूमध्य रेखा इस ग्लोब को बांटती है। अब जब हम लोग देखते हैं, और इसी के आधार पर हमने जलवायु के हिसाब से इस पृथ्वी को जितना भूभाग है उसको बांटा हुआ है। ये भूमध्य रेखा जो है, ये हमारी पृथ्वी के बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं शून्य अंश पर जो स्थित है। शून्य को मानते, यहाँ पर शून्य मानते हैं। इससे ऊपर की तरफ का जो भाग है वो क्रमशः पहले गर्म होता है, फिर उससे कम गर्म, और उसके बाद पूरा ठंडा। इसी तरह से दक्षिण की तरफ पहले बहुत अधिक गर्म, फिर कम गर्म, फिर ठंडा। अभी तुमको भैया ने बताया ना कि जिस भाग पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं वो भाग गर्म होता है, जहां थोड़ी तिरछी पड़ती हैं वहां कम, और जहां बहुत कम पड़ती हैं वहां ठंडा होता है। तो आज हम तुमको सबसे गर्म भाग के विषय में बताएंगे। इस भाग को हम लोग उष्ण कटिबंधीय प्रदेश भी बोलते हैं। इसका मुख्य भाग है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो आज का क्या हमारा हमारा क्या विषय है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। तुम बताओ क्या हमारा विषय है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। हाँ, भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री अंश पर उत्तर में, और ऐसे ही 10 अंश दक्षिण में, दोनों अक्षांशों का बीच का जो भाग है उसको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। मतलब इस प्रदेश का फैलाव 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण की तरफ होता है। ये देखो, हमने तुम लोगों के लिए बनाकर भी रखा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम तुम लोगों को बताते हैं। तुम लोग तो ये जानते होगे, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। बिल्कुल सही शिवांगी, तुमने बताया, उत्तर की तरफ कर्क रेखा है। और दक्षिण की तरफ कौन सी रेखा है, तुम बताओ? नहीं पता? तुम्हें पता है? नहीं, तो हम बताते हैं, वो मकर रेखा है। एक तरफ कर्क रेखा है और एक तरफ मकर रेखा है। मकर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मकर जो है सूर्य का नाम भी है ना। यहाँ पर सूरज की किरणें पूरे वर्ष भर बिल्कुल सीधी रहती हैं, या बहुत थोड़ी सी तिरछी, मतलब लंबवत रहती हैं। तो ये पूरा भाग जो है बहुत अधिक गर्म रहता है। और अब तुम सोचोगे कि ये वाला पृथ्वी का कौन से भाग में है? तुम लोगों को मालूम है, हमारा पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। इसमें जो एक आता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, एक है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, ठीक। फिर उसके बाद आता है, एक है अफ्रीका, और उसके बाद हमारे कुछ जो है एशिया के पूर्वी महाद्वीप है, ठीक है। इनमें ये पूरा भाग फैला हुआ है। इसमें उत्तरी अमेरिका में एक नदी है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, शायद तुमको पता होगा कौन सी नदी। अमेजन। उस नदी का नाम है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के बेसिन में ये जो तुमको पूरा पीला भाग दिख रहा है, ये पूरा भूमध्य रेखीय प्रदेश है। इसी तरह से ये देखो, एक ये वाला, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ पे पूरी पूरा ये वाला जो पूरा भाग है, यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध नदी है। कौन सी नदी? हाँ, उसका नाम है जेरे। और जेरे नदी का जो पूरा बेसिन है उसमें भी ये पूरा भाग फैला हुआ है। इसी प्रकार दक्षिणी एशिया द्वीप जो है, ये छोटे छोटे द्वीप ये बाद में ढूंढे रहे हैं,
इनमें भी भूमध्य रेखीय भाग फैला हुआ है। अब तुमको इसका विस्तार समझ में आ गया कि कौन कौन से भाग में भूमध्य रेखीय भाग फैला हुआ है, वो के और वो सबसे अधिक गर्म भाग है। अच्छा अब बताओ, जब ये गर्म भाग है तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? तुम बताओ, यहाँ की जलवायु गर्म होगी। यहाँ क्योंकि वर्ष भर सूर्य की रेखाएं सीधी होती हैं, तो यहाँ तापमान बहुत अंतर नहीं होता, कभी बहुत थोड़ा सा इसमें अंतर आता है, लेकिन पूरा वर्ष भर बहुत अधिक गर्म रहता है। और जानते हो एक बहुत अजीब सी बात है, यहाँ यहाँ की सुबह आसमान बिल्कुल स्वच्छ रहता है और शाम को 4 बजे के बाद वर्षा आरंभ हो जाती है और बहुत घनी वर्षा होती है। इस भाग में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर मौसम हमेशा रहेगा या तो गर्म रहता है या बहुत उमस भरा रहता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ऐसी जलवायु हमारे शरीर के लिए कैसी है? लाभप्रद की हानिकारक? हानिकारक, हाँ बिल्कुल सही, वो बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। इस तरह की जलवायु बहुत हानिकारक है। वर्षा अधिक होने से, अब किसी भी जगह की वर्षा जलवायु पर वहां की वनस्पति पेड़ पौधे निर्भर करते हैं, ये तो तुम लोग जानते हो ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर इसकी वनस्पति के बारे में पढ़े तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जानते हो, जो वन हमेशा, बिल्कुल सही, जो वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर बहुत लंबे पेड़ों से लेकर छोटी छोटी घास झाड़ियां सब पाई जाती हैं। यहाँ क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो जो बड़े वन है, जो बड़े वाले वृक्ष हैं, वो तो खूब ऊपर तक हो जाते हैं, उसके बाद उनके नीचे उससे छोटे वृक्ष, फिर उससे छोटे वृक्ष, फिर झाड़ियां और छोटी छोटे घास, बुरी तरह से ये वन बिल्कुल फैले होते हैं। और लताएं तो इतनी घनी होती हैं कि आपस में उनके अंदर कोई जानवर भी घुसने में घबराता है। अच्छा अब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी तक नहीं पहुंचती तो वहां तो नीचे और बारिश भी होती है, तो वहां कैसा रहेगा जमीन? दलदल हो, दलदल हो जाता है वहां। तो दलदल हो जाने की वजह से वहां बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। जंगली जानवरों में जहरीले सांप, जहरीले से जहरीला जानवर वहां पर मिलता है। पेड़ बहुत अधिक है तो पेड़ों पर रहने वाले जानवर जैसे चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, तरह तरह के बंदर, उसके अलावा बहुत तरह तरह की चिड़िया, जंगलों जंगल घना है तो जंगली भैंसे, जंगली हाथी और अलग अलग, नहीं उसमें दरियाई घोड़े भी मिलते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बाहर के जहां का कुछ भाग सूखा है वहां पर जिराफ, जेब्रा जैसे जानवर भी मिल जाते हैं। अब तुम लोगों को हमने इसके बारे में बताया, तुम लोग जानते हो एक यहाँ पर मक्खी पाई जाती है, उसका नाम है, क्या नाम है पता है? टैसी टैसी, हाँ टीसी टीसी, टैसी टैसी नहीं, टीसी टीसी। और उसके काटने से तुरंत आदमी के उसमें नींद आती है और आदमी क्या है, मर जाता है। इसलिए यहाँ पे सब कहा जाता है कि वह पूरे विश्व के सबसे जहरीले जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। अच्छा अभी हमने तापमान के बारे में बताया कि यहाँ का तापमान कैसा रहता है वर्ष भर? बहुत गर्म, बहुत अधिक गर्म रहता है। देखो इस प्रदेश में तापमान वर्ष भर बहुत अधिक समान रहता है और गर्म रहता है। ठीक है, और यहाँ का वार्षिक वर्षा, जो बारिश होती है, जो सबसे अधिक वर्षा होती है, उसका औसत जो है वो कितना है? 200 सेंटीमीटर। उसका जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 200 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं? देखो जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, जहरीले सांप आदि पाए जाते हैं। अब हम यहाँ के मूल निवासियों की बात करते हैं, मतलब जो वहीं पैदा होते हैं। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत छोटे कद के, काले काले, हाँ बहुत काले होते हैं क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती है तो काले होते हैं, छोटे कद के होते हैं, नाक उनकी चपटी होती है, बाल भी, हाँ बाल खुद घुंघराले घुंघराले और छोटे छोटे होते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा ना बौने होते हैं, तो इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। अमेजन घाटी में इन्हें बोरो कहते हैं, है जायरे घाटी में पिग्मी कहते हैं और मलाया में सेमांग कहते हैं। ये आज भी इतना, जब हमारा विश्व इतना आगे बढ़ चुका है, ये लोग पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं, लकड़ी के मकान बनाते हैं, घास फूस की छतें बनाते हैं और उनमें रहते हैं। इसीलिए यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है और बहुत अधिक अभी आगे नहीं ये लोग बढ़ पाए हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये रहेंगे कुछ तो खाने पीने के लिए करना है, तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जानते हो क्या है? हाँ मछली मारना, हाँ और शिकार करना, शिकार करना। ठीक,
तो शिकार करेंगे, क्योंकि इनको खाने को तो वही मिलना है। ये क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। उन्हों में बहुत ज्यादा, वो सभ्यता में अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, वहां पे थोड़ा बहुत कृषि का काम भी होता है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है हमारा, देखो अभी हम तुमको इसमें दिखाते हैं ग्लोब में, जो दक्षिण पूर्वी ये अफ्रीका का जो ये थोड़ा सा भाग है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का भाग, यहां पर एक जगह है, उसका नाम है इंडोनेशिया। तुमको नीचे हमने द्वीप दिखाए थे छोटे छोटे, तो उनमें वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अब जाकर कुछ यूरोप के लोग बस गए हैं। वहां पर की मिट्टी जो है कैसी है, लावा मिट्टी, जो बहुत अच्छी होती है कॉफी और कहवा के लिए। तो वहां के लोग जब केवल इसी की खेती करते हैं। इसके अलावा कुछ भागों में क्या करते हैं लोग, जंगल को जलाकर, देखो जंगल तो इतने घने हैं जो काटे नहीं जा सकते, तो जो कुछ सूखा भाग होता है वहां पर जंगलों में आग लगाकर ये खेती के लायक जमीन को तैयार करते हैं। फिर उसके ऊपर रबड़, चाय, कहवा, गन्ना आदि की खेती करते हैं, और गरम मसाले। गरम मसाले वहां, क्योंकि गरम जलवायु में गरम मसाले बहुत अधिक होते हैं, तो वहां के निवासी मुख्यतः गरम मसालों की भी खेती करते हैं। कौन कौन सी चीजें मुख्य है, देखो रबड़, चाय, कहवा, गन्ना व गरम मसाले। ठीक है, इन सब की खेती की जाती है। यहाँ पे रबड़ के बड़े बड़े बागान लगाए गए हैं पहाड़ी डालों पे, चाय की खेती की गई है, कहवा की खेती की गई है, और वो सारी चीजें करते हैं। अब इन कृषि कार्यों के साथ ही वहां पे अब तो पर्यटन की दृष्टि से ये भाग, क्योंकि देखो ये, क्योंकि बिल्कुल कहा जाता है ये अनछुए द्वीप है, यहां पर अभी लोग पहुंचे नहीं, तो इनकी प्राकृतिक सुंदरता आज भी बनी हुई है। बात समझ में आई, तो उन सुंदरता के कारण यहां पर पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। वहां पर लोग, बाहर के लोग घूमने जाते हैं, सुंदर सुंदर जगह, और आजकल तो तरह तरह की फिल्में भी वहां जाकर बनाई जाती हैं, क्योंकि वहां की सुंदरता जो है किस लोगों को दिखाना चाहते हैं लोग, कि देखो जो प्रकृति ने हमको सुंदर भाग दिए हैं वो कौन से हैं। तुमको यहाँ के मुख्य देश पता है कौन कौन से? कोलंबो। कोलंबो तो राजधानी है, कौन सी जगह की? श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तो एक तो जगह तुम्हारी श्रीलंका हो गई, ठीक है। एक एक जो है वो है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी पता है? मनीला। मनीला, वेरी गुड। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अब और इसके अलावा जकार्ता एक जगह है, बहुत बहुत ज्यादा ये विश्व में प्रसिद्ध है केवल अपनी सुंदर जगहों के लिए। देखो जकार्ता, मनीला और क्वालालंपुर। क्वालालंपुर कौन से देश की राजधानी है? तुमको मालूम है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है क्वालालंपुर, और ये अपने पर्यटन उद्योग के लिए इस समय बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। तो इस तरह तुमने देखा कि जो हमारी भूभाग है, पृथ्वी के जो भूभाग है, वो अपने सूर्य की किरणों से दूरी और सूर्य की किरणों से निकटता की वजह से अलग अलग भागों में बांटे गए हैं, और किसी भी जगह के मानव जीवन पर वहां की प्राकृतिक स्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हमने जो भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहली बात, वहां की जलवायु बहुत अधिक कैसी होती है? गर्म होती है, और उमस भरा मौसम रहता है। वहां की वनस्पति कैसी है? बहुत हरे भरे वन पाए जाते हैं, सब बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वहां पे, घने जंगल है। वहां का मानव जीवन कैसा है? प्रकृति प्रधान। वहां के मानव जीवन पर प्रकृति का पूरा प्रभाव पड़ता है।